नई पार्टी का संगठन मजबूत हो, इसके लिए हल्के भाई हल हल्कों के पांच पांच छह छह जोन पर बांट करके जोन के नए पदाधिकारी बना करके उनको जिम्मेवारी सौंपी जाए। जिस काम की जिम्मेवारी दिले भाई जिला के अध्यक्ष और पूरे संगठन के साथ जिम्मेदारी प्रदेश भर की मीटिंगें रखी है, वायरल। हम नए सिरे से अपने संगठन को बूथ के सतर पे नहीं, गांव के पंच के वार्ड के सतर पे ले के जा रहे हैं। इसके लिए हमने अपने पार्टी के साथियों की जिम्मेवारी लगाई है कि आप अगले 15 दिन में इसको वार्ड के सतर पे लेकर के जाओ। हम 15 दिन के बाद दोबारा नई तारीख तय करके फिर अपने साथियों से मिलेंगे कि हम संगठन को किस स्तर तक लेकर के गए। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि किसान आंदोलन में अनैतिक काम हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जो है झूठ का पुलिंदा झूठ की गठड़ी लेकर के घूमता है। मुख्यमंत्री इस तरह की बात कहकर अपने गलत कामों से पर्दा डालने की कोशिश में है। आप मुख्यमंत्री से पूछो कि 600 दिनों में जो प्रदेश में घोटाले हुए जिनको लेकर के आपने स्वयं जांच के आदेश दिए, क्या उन घोटालों के अंदर जो लोग शामिल हैं आपने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करी? अगर कार्रवाई नहीं करी तो वो घोटाले भ्रष्टाचार को लेकर के किए गए थे, इन्होंने स्वयं उसके लिए जांच के आदेश दिए थे। जांच हो चुकी है, आप उस जांच की रिपोर्ट को सार्वजनिक करो और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करो। कार्रवाई नहीं करते तो मुख्यमंत्री स्वयं इस भ्रष्टाचार के खेल में शामिल है। क्या कहना चाहेंगे, पेट्रोल डीजल के दाम बहुत महंगे हो गए हैं, नीचे से थोड़ी जहाँ महंगाई बढ़ी है, ये लोग आज तो महंगाई को बढ़ा रहे हैं। जब ये सत्ता में नहीं थे तब ये अर्ध नंगन होकर के कपड़े उतार करके पेट्रोल और डीजल के खिलाफ प्रदर्शन करते थे। आज महंगाई जब बढ़ रही है तो फिर उस पर कुछ कहने की बजाय कोई उल जुलूल बयान दे करके बचना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल, किसान विरोध कर रहे हैं, जो नेता गांवों में जा रहे हैं, सही कर रहे हैं आपको लगता है? एकदम सही कर रहे हैं। ये विरोध छोटा है, किसान को और बड़ा विरोध करना चाहिए। जब तक इनका डट करके विरोध नहीं होगा तब तक सरकार के कान नहीं खुलेंगे, तब तक उनकी आंख नहीं खुलेगी। मिल्खा सिंह जी का देहांत हो गया, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? किसका? मिल्खा सिंह जी का। बिल्कुल, मैंने मिल्खा सिंह जी का देहांत के बाद आज सुबह जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें अपनी पार्टी की तरफ से उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और एक ऐसा महान खिलाड़ी जिसकी वजह से हमारे देश का नाम बहुत बड़ा हुआ था, उसको खोआ, उनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। मैं उम्मीद करूंगा कि उनके दिखाए रास्ते पे चलकर के आने वाले समय में कोई और नए मिल्खा सिंह पैदा होंगे। आज मिल्खा सिंह को इसीलिए याद किया जाता है कि उन्होंने अपने बचपन में अपने उस जवानी के समय में इस देश का नाम बहुत बड़ा। चुनाव जीत रहे हैं इनेलो पार्टी? चुनाव कराए सरकार, आपको निमंत्रण दूंगा, आप आकर के देखना उस चुनाव में सत्ता में बैठे लोगों की क्या बुरी हालत करेंगे वहाँ के लोग। अगर उसको आंदोलन कमजोर लगता है तो फिर गृह मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र के कार्यक्रम बना करके लोगों के बीच में जाए, उसको लोग इस बात का एहसास करा देंगे कि आंदोलन कमजोर है या मजबूत। 2014 में अनिल विज ने शर्टें उतार कर पेट्रोल महंगाई के खिलाफ धरना दिया था, कि अब वो सड़कों पर उतरेंगे ऐसे? इन लोगों को थूक के चाटने की आदत है। देवीलाल जी की जयंती, ये लोग सत्ता से बाहर होते हैं तब नौटंकी करते हैं, सत्ता में आकर के लोगों को परेशान करते हैं। देवीलाल जी की जयंती के लिए इस बार क्या कुछ खास तैयारी शुरू? चौधरी देवीलाल जी की जयंती को धूमधाम से मनाएंगे। हम अपनी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुला करके उसमें फैसला करेंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर उनकी जयंती मनाई जाए। मुख्य मेहमान
हमारे प्रधानमंत्री जिला अध्यक्ष पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री प्रकाश भारती जी, श्रीमती रेखा राणा जी, साथ में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बहुत ही सम्मानित श्री नरेंद्र त्रिपाठी जी मिलकर के आए हैं। वहां पर साथी जयप्रकाश कंबोज जी, प्रदीप कंबोज जी ने काफी साथियों से हमारी मीटिंग कराई और बहुत अच्छा लगा। साथियों जब से हम करनाल में साथियों जहां तक संगठन की बात करनाल डिस्ट्रिक्ट का आप सभी के सहयोग से विशेष तौर पर कंप्लीट हो चुका है। साथियों आगे अनाउंस कर दी जाएगी। सभी साथियों का धन्यवाद। जय भीम जय कौदेला। अभिवादन करें आदरणीय रमेश। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने करनाल में कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। इस मीटिंग का मकसद था कि किस तरीके से वार्ड स्तर पर कार्यकर्ताओं को भेजकर अपनी पार्टी को और ज्यादा मजबूत किया जाए। 15 दिन का वक्त दिया गया है। अलग अलग जिलों में इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला जा रहे हैं और 15 दिन के बाद फिर से एक बार कार्यक्रम रखा जाएगा और उसमें देखा जाएगा कि वार्ड स्तर पर इनेलो पार्टी कितनी मजबूत हुई है। वहीं जब बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों पर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जब सरकार यानी कि जो इस समय फिलहाल सरकार में है, सत्ता में है बीजेपी पार्टी, जब वो सत्ता से बाहर होती है तो बड़े बड़े प्रदर्शन करती है और जब सत्ता में आ जाती है तो लोगों को लूटने का काम करती है। पिछले दिनों हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से कहा गया था कि किसान आंदोलन में अनैतिक काम हो रहे हैं। इस पर अभय सिंह चौटाला ने वार करते हुए कहा कि इस बयानों के जरिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने कामों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 600 दिनों के अंदर जो गठबंधन की सरकार रही उसमें कई घोटाले हुए, उसकी जांच सरकार ने करवाई लेकिन कार्रवाई किसी पर नहीं हुई। तो ये एक बड़ा निशाना हरियाणा सरकार पर अभय सिंह चौटाला ने साधा। साथ ही साथ जब उनसे उपचुनाव पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उपचुनाव के लिए वो तैयार हैं और वो सत्ताधारी पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे उपचुनाव के अंदर। साथ ही साथ किसान जो लगातार विधायकों का, नेताओं का गांवों में पहुंचने पर विरोध कर रहे हैं, जब इस पर सवाल किया गया तो अभय सिंह चौटाला ने कहा कि ये विरोध तो छोटा है, किसानों को और ज़्यादा बड़ा विरोध करना चाहिए। इन तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपनी राय रखी। अब देखना ये होगा कि अभय सिंह चौटाला के इस जवाब पर क्या कुछ जो सत्ताधारी पार्टियां हैं वो पलटवार करती हैं। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।